सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं दोपहर के 1 और हम लोग बैठे हुए हैं अमरूद के पेड़ के नीचे हमेशा की तरह। और अभी हम लोगों ने आज लंच वगैरह भी नहीं बना रखा है, सिर्फ सब्जी बना करके रख दी थी और उसके बाद से हम लोग भी बाहर आ करके बैठ गए थे। और मम्मी तो रामनगर का राउंड लगा करके भी आ गए तब से। तो फिलहाल चलेंगे अंदर और करेंगे लंच बनाने की तैयारी, बिकॉज आज मम्मी करेंगे रेस्ट, क्योंकि जस्ट अभी मम्मी पहुँच रहे हैं। तो दाल वगैरह की सीटी तो लगा दी, अब तड़का लगाना बाकी है। तो फिर चलते हैं अंदर और लगाते हैं दाल का तड़का। सो फ्रेंड्स, मैं भी आ गई हूँ किचन में और अब स्टार्ट करेंगे दिन का लंच बनाना। तो फ्रेंड्स, मैंने टमाटर प्याज लहसुन वगैरह ऑलरेडी काट दिया है, तो अब स्टार्ट करते हैं तड़का लगाना। सो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी काट के यहाँ पर रेडी कर दिया है प्याज, टमाटर, लहसुन और ये मैंने कुछ मिर्ची काट करके रख रखे हैं, और ये कड़ी पत्ता और अदरक कूट के रखा हुआ है, और यहाँ पर रखा हुआ है हींग। तो फ्रेंड्स, मैं जब भी बनाती हूँ ये सारी चीजें तो नॉर्मल सी बात है, होते ही होते हैं दाल सब्जी बनाते टाइम पर। बट इसके अलावा एक मैगी मसाला आज मिसिंग है, क्योंकि मैगी मसाला खत्म हो चुका है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं बिना मैगी मसाला के ही बनाना। सो फ्रेंड्स, क्योंकि तेल हो चुका है गरम, इसीलिए मैंने इसमें ऑलरेडी डाल दिया है जीरा, और अब डाल देते हैं इसमें लहसुन वगैरह। कढ़ाई की कंडीशन ऐसी इसीलिए क्योंकि इस कढ़ाई में ही पहले हम लोगों ने कद्दू की सब्जी बनाई थी, तो इसमें से कद्दू दूसरे बर्तन में रख करके मैंने ऐसे ही इसमें दाल बनाने के लिए यूज कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा हींग और बाकी मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी। सो फ्रेंड्स, रेडी है बनकर दाल। इसमें मैंने ऑलरेडी डाल दिया है नमक, मिर्ची, हल्दी, जितने भी मसाले होते हैं सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, और अब इसको थोड़े देर तक बॉईल होने देते हैं। सो फ्रेंड्स, रेडी है बनकर दाल। तो अब मैं कर दूंगी गैस बंद, बिकॉज दाल हो चुकी है अच्छे तरीके से बॉईल। तो फ्रेंड्स, दाल की तो खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है और दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा है दाल। बट अब ये तो खा करके ही मालूम चलेगा कि कितना स्वादिष्ट बन रखा है। तो फिलहाल तो बन चुकी है दाल और अब तैयारी करते हैं साइड से चावल बनाने की। वाह, देखा, मेरे आते ही बिजलू उठ गया, अभी तक सोया हुआ था। बिजलू, लंच बन गया है, लंच करेगा? करेगा? हाँ, लंच करेगा क्या? आ गया बिजलू नमकीन खाने के लिए। अभी तक सोया हुआ था और जैसे ही मैं इसके पास गई बस तुरंत उठ गया, क्योंकि इसको चाहिए था नमकीन। सो फ्रेंड्स, खाना पीना बना करके अब हम लोग फिर से आ गए हैं अमरूद के पेड़ के नीचे बैठने के लिए। आजकल ये हम लोगों का परमानेंट जगह हो रहा है, काम वगैरह कंप्लीट करके हम लोग यहीं पर ही बैठ जा रहे हैं, क्योंकि सही जगह है ये, न धूप भी नहीं लगती और अच्छी खासी हवा भी चलती रहती है, तो यहीं बैठने के लिए सही है। क्या चीज? क्या चीज? फूल। कड़ी पत्ता किसी ने नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ा। ठीक है जी। ये लोग कह रहे कड़ी पत्ता कौन तोड़ करके ले गया, कौन तोड़ कर ले गया उस स्टाइल में। मैं वैसे ही तोड़ती हूँ, तो पूरे पत्ते ही पत्ते लेकर के गई ना मैं। पत्ता कौन? नहीं, मैं 5-6 पत्ते लेकर के गई। वो तो फांग तोड़ियो। अच्छा, मुंडी। हाँ, टहनी किसी ने तोड़ी होगी पता नहीं, लेकिन मैं पत्ते लेकर के गई, क्योंकि मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो हमेशा दाल में मैं कड़ी पत्ता डालती। हाँ, वो जिस पर आपने हाथ लगाया। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग भी आ चुके हैं बाहर से अंदर और अब हम लोग करेंगे अपना लंच। तो क्योंकि हो चुका है 2:30 दोपहर के, तो स्टार्ट कर देते हैं अपना लंच करना। और आज लंच में मसूर की दाल है, मैं तो मसूर की दाल ही बनाती हूँ, क्योंकि फेमस ही मैं हूँ मसूर की दाल बनाने के लिए। मसूर हूँ मसूर की दाल बनाने के लिए, पहले भी बताया है। तो और साथ में है क्या? ये दही, मूली, मिर्ची, अचार, जिसे जो खाना है वो खा सकता है। ये अचार और चटनी वगैरह तो सब मौसी के लिए, बिकॉज मौसी को खाना था चटपटा, और हम लोग तो खाते हैं एकदम फीका सा, नमक भी कम, मिर्ची भी कम, नॉर्मल से खाना।
जब हम कभी बाहर जाते हैं ना खाने के लिए तो हम पहले बोल देते हैं रेस्टोरेंट में कि मिर्ची मत डालना, मिर्ची कम कहने से भी हमको मिर्ची लग जाती है। कैसी बनी है दाल मौसी को तो पता नहीं चल रहा होगा, बहुत अच्छी बिकॉज मौसी ने तो ऑलरेडी उसमें सब डाल दिया चटनी वगैरह। ये हरा जो आपको जो पत्ते दिख रहे हैं, अरे अरे कद्दू की सब्जी भी थी वो लाना भूल गए, तो जाते हैं और कद्दू की सब्जी लेकर के आते हैं, मेन चीज तो भूल ही गए। तो फ्रेंड्स लेकर के आ गई हूँ मैं भी, सब्जी बनाया हम लोगों ने बट लेकर के आना भूल गए वो, तो अच्छा हुआ टाइम से मम्मी को याद आ गया कि कद्दू की सब्जी बनाई थी कहाँ है, तो अब ले आए कद्दू की सब्जी भी। तो अब स्टार्ट करते हैं खाना, सबसे पहले मैं ही खाना पर हमला अटैक। अच्छा बना रखा है, बस नमक की क्वांटिटी कम हो रखी है, जब भी मैं बनाऊंगी कुछ ना कुछ कम जरूर हो ही जाता है, खास तौर पर नमक ही होता है कम। वैसे ठीक तो है स्टार्टिंग में कम ही डालना चाहिए, ज्यादा डालने से तो अच्छा है, कम का उपाय है लेकिन ज्यादा का उपाय नहीं है। सो फ्रेंड्स हम लोग भी आ चुके हैं बाहर लंच करके, और अब मम्मी ने दे दिया है लूसी को भी खाना, बिकॉज लूसी भी लंच करने के लिए यहाँ पर काफ़ी देर से बैठी हुई थी। इसको जब भी भूख लगता है तभी ये यहाँ पर आकर के बैठ जाती है, कहाँ जाएगा बेचारा, कोई जगह ही नहीं है इसके पास, ये ऐसे ही घूमती रहती है इस कॉलोनी में। पहले ये और इसकी मम्मी दोनों साथ साथ घूमते थे, अब इसकी मम्मी नहीं है तो ये बेचारी अकेले हो गई, अकेले अकेले घूमती है। अब लूसी ने खाना खा लिया, अब पानी पिएगा लूसी, पी ना ले वो, पिएगा नहीं पिएगा, वो तो चला ही गया वहाँ से और दूर खिसक गया। कोई नहीं, जब प्यास लगेगी तो अपने आप पिएगा। और बिजलू तो सो रहा है यहाँ पे अंदर, इसने तो पहले ही कर लिया था अपना लंच, और लंच होता भी क्या है इसका, बस नमकीन और दूध। सो फ्रेंड्स इस समय बजने वाले हैं शाम के 5:30 और हम लोग भी आ गए हैं घर के बाहर, और स्टार्ट हो गई है मम्मी की गार्डनिंग। मम्मी फूलों में पानी डाल रहे हैं, उस साइड जितने भी फ्लावर पॉट्स रखे थे मम्मी ने सब में पानी डाल दिया है, और अब मम्मी आ गए हैं इधर की तरफ पौधों में पानी डालने के लिए, और साथ ही साथ मम्मी फ़ोन पर भी कर रहे हैं बात, और साथ में मौसी बैठे हुए हैं यहाँ। सो फ्रेंड्स इस साइड को हम लोगों ने लगा रखे थे लहसुन धनिया और हरी सब्जी, जो अभी थोड़े थोड़े होने लग गए हैं। मम्मी इतनी मेहनत कर रहे हैं इसीलिए मम्मी की मेहनत सफल होने लग गई है। तो फ्रेंड्स ये है हम लोगों की छोटी सी खेती, जिसमें हम लोगों ने 3 चीज़ लगा रखे थे। यहाँ पर हम लोगों ने लगा रखा था लहसुन, और वहाँ पर हरी सब्जी, और यहाँ पर हमने लगा रखा था धनिया। तो हरी सब्जी भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी से होने लग गए हैं, अभी छोटे छोटे हो रखे हैं बट होने लग गए हैं, और लहसुन भी होने लग गए हैं। लेकिन मम्मी धनिया कहाँ दिख रहा है, ये देखो आ गई ना बच्चों की, बोल बताओ अब क्या कहना है तुम लोगों के लिए, बताओ अब देखना है ये किस तरीके से ले जाएगा बॉल। तो ये सीन रहता है, यहाँ बच्चे आगे वॉलीबॉल खेलते हैं तो बॉल यहाँ खेत में आती रहती है, जिससे मम्मी भी परेशान रहते हैं। एक साइड से मम्मी गार्डनिंग करते जा रही है, दूसरे साइड से बच्चों की बॉल खेत में आती जाती है। और इस साइड को हम लोगों ने लगा रखी थी मेथी, बट यहाँ पर मेथी अभी तक हुए नहीं है, थोड़े थोड़े से दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं पे। सो फ्रेंड्स क्योंकि हो चुकी है गार्डनिंग भी कंप्लीट, इसीलिए अब पाइप कर देंगे ऊपर और हम लोग भी चलेंगे अंदर। बहुत सारा खून डोनेट कर दिया है आज हमने मच्छरों को, आज के लिए इतना ही डोनेशन काफ़ी है। मच्छरों के वजह से एक ही जगह पर आराम से बैठ भी नहीं सकते, जहाँ जाओ वहीं मच्छर आकर के काटने लग जा रहे हैं, तो इससे बेटर है चलते हैं अंदर, वैसे तो अंदर भी मच्छर ही हैं। सो फ्रेंड्स आ गए हम लोग भी अंदर, बाहर पूरा मच्छरों ने काट काट के हालत ख़राब कर दी है, तो
अब अंदर ही रहते हैं और मॉस्किटो कॉइल जला देंगे, बिकॉज वैसे तो अंदर भी काफी सारे मच्छर हैं। और बिजलू तो सो रखा है एकदम मस्त तरीके से, और यहाँ पर सो रखा है हम लोगों का बिजलू। वो देखो कहाँ बिजलू के पैर, कहाँ बिजलू का हाथ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया है, इसीलिए अब बिजलू को भी ठंडा लगने लग गया है, तो वो बिजलू ढक ले करके सोता है। नॉर्मल ढक दे रहे हैं अभी तो। सो फ्रेंड्स, रेडी है हम लोगों का बनकर डिनर, तो अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर और मैं करूंगी अपना आज का व्लॉग यहीं प्री क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।